इसका हमें इंतजार था, फाइनली वो चीज हमारे पास आ चुका है। ये है जी अपना एक्शन कैमरा SJCAM का 8 Pro, और ये साइकिल पे जो हम साइकिल, ओह क्या कैमरा है भाई। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MOS ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग जिस चीज का हमें इंतजार था, फाइनली वो चीज हमारे पास आ चुका है, गैस करिए यार, एक्शन कैमरा हमने ले आया भाई। मतलब थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम लेके आ चुके हैं, और आज हम उसी का अनबॉक्सिंग करेंगे और हर एक चीज़ बताएंगे उस कैमरे के बारे में। तो चलो फिर बिना किसी देरी के, चलो जी इसको खोलते हैं, बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स खोलने के बाद हमारे पास पहले मिलता है ये कैमरा, जो कि वाटरप्रूफ केस में पहले से ही है, और इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं पहले। ये तो हम खुद लेके आए थे SD कार्ड, तो इसको साइड में रखते हैं। कुछ बुक्स वगैरह मिलते हैं, और ये साइकिल पे जो हम साइकिल वगैरह पे, बाइक वाइक पे, मतलब हैंडल पे लगा होगा सकते हो। बाकी ये माउंट है जो हेलमेट पे लगता है, ये मतलब इसके स्क्रीन पे लगा सकते हैं दोबारा, अगर वो वाटरप्रूफ वाला जो टूट जाए तो उसके बाद हम लगा सकते हैं इसको। ये चार्जर भी है, प्लस इसको आप लैपटॉप में लगा के डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सब है, माउंट वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़, ये तो काफ़ी, तो मतलब तीन चार्जर दे रखा है भाई इन्होंने। ये सब कुछ साइड में करते हैं, बात करते हैं हम अब कैमरा। तो ये है वो कैमरा, और इसको पहले हम यहाँ से ओपन करते हैं भैया। इसका लॉक बहुत ही मतलब ध्यान से क्या खोलना होता है, नहीं तो फिर ये जो है ना, ये टूटने का डर रहता है भाई। ओफो क्या कैमरा है भाई, देख लो। ये है भाई 8 Pro SJCAM का, इसको हम ऑन करते हैं। ये भाई ऑन हो चुका है, ये देखो इसकी वीडियो क्वालिटी। अभी ये 180 पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये अभी 180 पे है, और 180 पे क्या मतलब क्लियरिटी दे रहा है, ये देखो। इसको पास करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो क्लियरिटी, क्या क्लियरिटी भाई, मतलब 6 Legend से तो काफ़ी बेटर, काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें हम 4K भी कर सकते हैं यहीं से, हीरा ये ऊपर 4K 30 FPS, और 4K 30 FPS 2K में भी कर सकते हैं, 180 में भी कर सकते हैं, लेकिन मोटो ब्लॉग के लिए तो वही है, मतलब 180 बेस्ट है। बाकी आप देख सकते हो क्लियरिटी, देखो ये चीज़, देखो ये सामने डिस्प्ले है इसका, जो मतलब अगर वीडियो चलता है तो यहाँ पे टाइम वाइम शो करता है, इस जगह पे टाइम वगैरह जो भी है वो दिखाता है वीडियो का। तो ये है कुछ इस कैमरे के फीचर, जो कि यहाँ पे वीडियो, उसके बाद है वीडियो लैप्स, स्लोमो, फोटो, और ये फोटो लैप्स वगैरह, बर्ड्स मोड, और भी बहुत कुछ है, कार मोड वगैरह, लाइव फोटो प्लस वीडियो। सो फाइनली जी अनबॉक्सिंग करने के बाद अब हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं, ट्राई करेंगे मोटो ब्लॉग पे कैसा चलता है, और नॉर्मल ब्लॉग भी करके हम देखेंगे बाहर कि कैसी क्वालिटी आ रही है इसकी बाहर। तो अभी चलते हैं फिर मिलते डायरेक्ट मोटो ब्लॉग पे। और अभी मैंने इसमें कुछ माइक वाइक कुछ नहीं लगाया, बस एंगल चेक करने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ नहीं भाई। तो भाई लोग, अभी हम लेके निकले थे अपना एक्शन कैमरा मोटो ब्लॉग करने के लिए, और ये अपनी बाइक लगी हुई है, और ये अपना हेलमेट, और ये अचानक से इसका बैटरी जो है ना वो ऑफ हो गया भाई। तो अभी हम अपने एक दोस्त के पास रुके हुए हैं, जिसके पास हम चार्ज कर रहे हैं अपना कैमरा, दिखाते हैं। ये देखो कहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, ये रहा चार्जर केबल, और ये जो है ये इधर कहीं है, ये इधर से कहीं से चार्ज हो रहा है, जुगाड़ू तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं। और धूप इतनी हो रही है, जितनी बारिश हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा अभी धूप हो गई है। और ये अपना सारा कुछ रखा हुआ है, थोड़ा सा चार्ज करेंगे बस, थोड़ा सा चार्ज करके उसके बाद निकल जाएंगे चेक करने के लिए कि कैसा है सब कुछ, बाकी सब बढ़िया है। Thank you.
तो जी देख ही लिया आपने कैसा वाइड एंगल है एज ए 8 प्रो का, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बढ़िया है। बाकी ज़्यादा रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए थे क्योंकि कैमरा बहुत कम चार्ज था और बंद हो चुका था, और एक चीज़ प्रॉब्लम आ गया था उसमें कि मतलब 2% बैटरी से वो ऊपर जा ही नहीं रहा था चार्जिंग में। तो फिर हम घर आ गए थे, घर आने के बाद इसको कम से कम हमने 1.5 घंटे चार्जिंग पे लगाया तब जाके वो फुल हो गया, तो वो प्रॉब्लम भी था ख़त्म हो गया। और बात रही वॉइस की, तो हमने वाटरप्रूफ केस लगा रखा था, हमने जो माइक केस माइक जिसमें माइक वाइक लग जाता वो वाला केस अभी हमने मंगवाया नहीं है कैमरे का, जब वो मंगवा लेंगे तो उसके बाद फिर माइक वाइक के साथ अपना करेंगे मस्त सा मोटर ब्लॉग। तो उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन लगने वाला है, तब तक के लिए हम कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे करके जुगाड़ करेंगे वॉइस के लिए। बाकी अभी तो इतना ही बढ़िया है, ठीक है। फिर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और 1K ज़रा करवा दो यार, आप लोग भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बूम।